के न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने अब महामंडलेश्वर को धमकाना शुरू कर दिया है। सच्चाई बताने पर हमले की धमकी मिल रहे हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा को नेपाल से फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। फोन पर बाबा को धमकी दिया गया कि आश्रम में लाशों का ढेर बिछा देंगे। वहीं फोन का ऑडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छतरीपुरा थाने में मामला दर्ज कराया गया। 7 सितंबर को बाबा ने जावेद अख्तर पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर पागल हो गए हैं और उन्हें संघ की क्लास में जाकर पढ़ना चाहिए। जावेद अख्तर जैसे लोगों को तालिबान और अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। बताया जा रहा है कि बाबा के इस बयान के बाद से ही इस तरह के धमकी मिलना शुरू हो गया था। फिलहाल बाबा की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों को लगा दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा को जिस नंबर से धमकी आया, वो नंबर भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बताया जा रहा है। बाबा ने बताया कि जब से उन्होंने जावेद अख्तर पर बयान दिया है, तब से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। धमकी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हिंदू संगठन के लिए जो काम करता हूँ, जो हमारे हिंदुओं के लिए काम करता हूँ, जो सनातन परंपरा के लिए काम करता हूँ, उसको लेकर मेरे को ये धमकी दी गई है। तालिबान पर जो अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संघ की टिप्पणी जो जावेद अख्तर ने की थी, उसका मैंने घोर विरोध किया था, आज भी करता हूँ, कल भी करता रहूंगा। दरअसल कुछ दिन पहले बाबा ने जावेद अख्तर पर एक वीडियो जारी कर उन्हें पागल कहा था। उन्हें संघ की कक्षा में जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर को एक बार संघ के स्कूल में आकर पढ़ना चाहिए। इस बयान के बाद बाबा चर्चा में आ गए और जिसका परिणाम है कि अब उन्हें धमकी भरे कॉल्स मिलने शुरू हो गए। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज। राष्ट्र